पिछले सप्ताह हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है, ऐसे में अब एक बार फिर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, क्योंकि राजस्थान और पंजाब के आसपास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर हरियाणा पर पड़ सकता है। हालांकि एक दिन पहले तक हल्की बारिश के बाद मौसम फिर से उमस भरा हो गया था। मंगलवार को भी मौसम की आंख मिचोली चलती रही। अब भी मानसून की टर्फ रेखा अनूपगढ़, हिसार, दिल्ली, हरदोई, कोरबा, कलिंगपल्लम से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने एक कम दबाव के क्षेत्र और साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मानसूनी हवा की सक्रियता बढ़ने से हरियाणा राज्य में 30 अगस्त रात से 5 सितंबर तक अधिकांश जिलों में बारिश हुई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ लगते पंजाब के पास बने होने से हरियाणा में मॉनसून 11 सितंबर तक सक्रिय बने रहने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम 11 सितंबर तक ज्यादातर क्षेत्रों में आमतौर पर परिवर्तनशील रहने, बीच बीच में बादलवाई और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट, हवा में नमी की अधिकता बने रहने की संभावना है। इस बारिश का फायदा धान की फसल को हो रहा है। इसके साथ ही फसलों को जलने से भी बारिश बचाने का काम करेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा था। मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों को फसलों और सब्जियों की सिंचाई, दवाई का छिड़काव रोकने की सलाह दी है। हालांकि ग्वार की फसल में ये बारिश नमी लाने का काम करेगी, जिससे फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ग्वार में पहले से ही रोग लगे हुए हैं। ऐसे में किसानों को बारिश के चलते अपनी फसलों की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।